नमस्कार दोस्तों, हमें यार ये आप लाइव फ्यूचर्स देख रहे हैं। सो यूएस का जो डाव है ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तक माइनस चला गया था, लेकिन इसमें मामूली सा बाइंग आया है और 100-150 पॉइंट अगर डाव गिरता है तो उसको फॉल नहीं कहा जाता है, 500-700 पॉइंट का ही कोई मीनिंग है, क्योंकि कल भी ये अच्छा खासा फॉल इसमें गैप डाउन आया था और फिर ग्रीन में ही इसने बंद दिया था। तो ये इंडिया टाइम 2:30 बजे जो है मिडनाइट क्लोज होता है, तो ये 100-150 पॉइंट का कोई मीनिंग है नहीं। लेकिन पैरामीटर की अगर बात करें तो विक्स जो है अच्छा खासा ऊपर गया है, इंडिया का भी विक्स आज अच्छा खासा ऊपर था, दोनों लेकिन 26 के नीचे हैं, तो वो कोई बहुत बड़े खतरे का घंटी नहीं है। लेकिन जो कॉपर है ऑल्दो $3 के ऊपर अच्छा खासा सेटल है ये, लेकिन इसमें सीरियस सेलिंग देखा जा रहा है, 1.5-2% सेलिंग इंट्राडे और उसके बाद उसमें बाइंग, इस तरीके से कई बार हम लोगों ने देखा है $3 क्रॉस करने के बावजूद। तो अभी जो चाइना में जो ज़बरदस्त तरीके से जो मेटल का इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि चाइना एक अकेला देश है जो मार्च में ही कोविड के सीन से बाहर निकल गया था, तो उन्होंने अपना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया था, जिसके चलते वो लोग इंपोर्टर बन गए थे अच्छे खासे स्टील व्हील के। और कॉपर भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेटल है जो हर चीज़ में लगता है मैन्युफैक्चरिंग के। तो कॉपर में जैसा हम लोग देख रहे हैं वो एग्रीवेट होते जा रहा है, 3% कॉपर सेलिंग बहुत रेयरली जो है देखा गया है, और डॉलर इंडेक्स जो है 90 के ऊपर ऐसा लग रहा है शायद सेटल होगा। ये जो बिटकॉइन है ये तो 30-30% जो है एक ही दिन में गिर गया है, और बॉन्ड यील्ड जो है 1% के ऊपर स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। तो जैसा जैसा बॉन्ड यील्ड, ये मार्केट डिटरमाइंड है, बॉन्ड यील्ड अगर स्ट्रांग होते जा रहा है इसका मतलब जो स्प्रेड है यूएस के जो रेपो रेट है और मार्केट रेट मतलब यील्ड, ये स्प्रेड बढ़ते जा रहा है। सो एक तो यील्ड मैनेजमेंट में यूएस फिर एंट्री ले लेगा, मतलब वो बॉन्ड में जो है बाइंग करना स्टार्ट कर देगा एग्रेसिवली ताकि यील्ड थोड़ा कम आ जाए, अभी बॉन्ड में सेलिंग हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगा। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है, यील्ड मैनेजमेंट में इन लोग घुसेंगे ऐसा लग रहा है। सो पैरामीटर लेवल पे अगर बात की जाए तो एक अलर्ट जारी हो गया है। अब देखिए मेटल भी सब गिरते जा रहे हैं, निकेल, जिंक, लीड, ये तो कई दिनों से गिर रहे हैं, आज मेटल इंडेक्स भी निफ्टी में काफ़ी वीक हुआ है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसका अलग ही दुनिया है। सो हर एक पैरामीटर जो है वो फॉल की तरफ ही ध्यान दे रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अगर निफ्टी की बात करें सो इसमें आज भी जो है मॉर्निंग में एक आपको ट्रेड मिल गया था, निफ्टी में आज आपको मॉर्निंग में एक डिप का ट्रेड मिल गया था और बैंक निफ्टी में भी, लेकिन उसके बाद वापस से जो है मैनिपुलेशन जारी रहा। HDFC लिमिटेड देखिए, ये बहुत हेवी वेट काउंटर है 3.5%, तो HDFC लिमिटेड अगर चलता है तो बैंक को भी ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि दे आर ट्विंस। TCS इन्फोसिस भी जो है वो इन्फोसिस 5%, TCS ऑलमोस्ट 2%, भारतीय एयरटेल भी एक बड़ा हेवी वेट है, HUL भी बड़ा हेवी वेट है। तो ये सब तरीके से निफ्टी को मैनेज किया गया, ऑटो इंडेक्स भी जो है मेरे ख्याल से लाइफ हाई तक चला गया है, और जो सियाम का डेटा आया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स उसका भी काफ़ी पॉजिटिव डेटा आया है, और मारुति का शेयर भी आपका 52-week हाई टच हो गया है। सो बैंक निफ्टी जो है ये एक वीक लिंक है, आपको कल ही वीडियो में बताया गया था, बैंक निफ्टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ITC, ये तीनों पे आप फोकस कीजिए। निफ्टी का जो मैनिपुलेशन है वो एज ऑलवेज उसका कोई अपर लेवल है नहीं, ये 15,000, 20,000, 25,000 कोई भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन स्काल्पिंग लेवल पे आपको बैंक निफ्टी, रिलायंस देखिए आप 2% ऑलमोस्ट आज तोड़ गया है, बढ़िया इसमें शॉर्ट ट्रेड आज मिल गया है, और ITC भी फ्रॉम द हाई बड़ा शानदार आपको ₹5 का ट्रेड दिया है, 3200 का इसका लॉट है। सो निफ्टी को, निफ्टी में भी फॉल जो है ड्यू है,
लेकिन इसमें मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इसका फॉल का इंतज़ार हम लोग करते रहेंगे, ये वाला बात चल जाएगा। लेकिन वीक अगर कोई है इसके अंदर तो बैंक निफ्टी है और ITC है और रिलायंस है। अब रिलायंस जो वीक है उसमें CLSA का रिपोर्ट आ गया कि भाई जियो का इसमें लिस्टिंग होगा, तो इन लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें जान डालने की। जो 3-3.5 महीने से ये स्टॉक एक ही रेट पे घूम रहा है, 1900-2000 के आसपास ही 3-3.5 महीने से स्टॉक चल रहा है, तो निफ्टी में फॉल तो आना ही आना है। लेकिन उसका इंतज़ार करते करते दिन ब दिन और वीक टू वीक निकल जा रहा है, और एवरीडे जो भी फॉल आता है उसका मोर देन डबल बाइंग आके फ्रेश लाइफ हाई का ये बंद दे देता है। तो आप फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में, रिलायंस और ITC में, ये आपके लिए कल का एडवाइस है।